देखिए अच्छे से देखिए दीपक सर, यहाँ दिखाओ तो यहाँ बताओ क्या ब्राइटनेस कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी, बताइए देखो हो रही है क्या, वही की वही ब्राइटनेस, फुल ब्राइटनेस, फुल क्यू, क्योंकि आपने क्या मारा हुआ है आप आपको अगर आपका एट वो छोटी आईसी लगी है उसके अंदर में अपनी नाइन बॉल की, तो उसको दो तरह के दो टाइप हैं, फिर उसमें D8 भी आ जाता है आपका, PMI, PML सबसे रहता है, तो कैसे कैसे रहता है सबके अलग अलग वर्जन पूरे डिटेल में बताया सर। ब्लिंक हो रही है, बंद हो रही है, तो लोग यही सोचते हैं कि डिस्प्ले टूट गई है या ख़राब है तो हम बदल देते हैं, ठीक है, तो उसको बदलने के बाद भी नहीं आता है, जो लगी होती है वो निकाल देते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे तो रिपेयरिंग पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यही करते होंगे क्योंकि हमने काफी सारे मोबाइल रिपेयर करवाए तो हमें यही बताते हैं। अभी की पोजीशन बताओ तुम मेरे को, तो आज और कल की पोजीशन बताओ, तो उसकी वजह से कितने फॉल्ट आते हैं वो सारे हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, पता ही नहीं है कि क्या फॉल्ट आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं। सेक्शन के सर, सर कनेक्टर से लेके सर आईसी तक के जितने भी फॉल्ट आते हैं लाइट कनेक्शन के, सर उसका एडलेस सॉल्यूशन मिल चुका है सर। सर सर्किट सारा दिमाग में ही है और उसको बनाने को भी कहेंगे तो बना देंगे, उसमें कोई सा भी सर्किट अगर लाइट अगर आपको दे दे, सर 6 लाख देंगे या आप टिप की लाइन दे दे और आपकी PMI की लाइन दे दे, सारे सर्किट बना देंगे, लाइट के लाइट से रिलेटेड कोई भी छूटेगा नहीं। बस ऐसा सोचते थे यार इसको वोल्टेज आ रहे पर लाइट क्यों नहीं आ रहा, सर आज वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी सर। सर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? हमारे साथ है 28 नवंबर की बैच। यस सर। लाइव हो? यस सर। क्या पढ़ा आज हमने? लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन। कल काय का था हमारा? ग्राफिक्स। और आज था हमारा लाइट। लाइट का कोई सा ऐसा पहलू बचा जो हमने नहीं किया आज, बताओ मेरे को? यस सर। कोई सा भी शेड हो हमने ऐसा था वो हमने नहीं किया है? यस सर। हमने IPS डिस्प्ले को पूरा ट्रेस किया है ना, भले हमारा 3G सेट हो या 4G सेट हो, हमने सारा का सारा ट्रेस किया उसको, है ना, ट्रेस करके सर्किट हमने समझा, सर्किट 1 समझा हमने लाइट का, यस सर, सर्किट 2 समझा है, यस सर, है ना, BMI समझा है, यस सर, BML समझा है, यस सर, है ना, 3 उसके बाद हमने D8, यस सर, जो डिजिटल सर्किट है हमारा, हमने पूरा डिजिटल सर्किट को समझा है उसको, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कोई कठिनाई आएगी आपको करने में क्या बताओ? नहीं सर। कोई कठिनाई आएगी? नहीं सर। शॉर्ट तरीके से अपन ने उसका पूरा डायग्नोस किया है, डायग्नोस करने के बाद आपको समझाया है, समझाने के बाद आपको क्लियर करा है। यस सर। है ना, थोड़ा सा आप आज जो पढ़ाया उसके हिसाब से बताइए आप। तो सर लाइट के कोई भी प्रॉब्लम हो शॉर्ट कर सकते है, तो लोगों को पहले तो समझ में ही नहीं आता कि लाइट अगर नहीं आ रही है, जा रही है, ग्राफिक्स का कल हमने देखा, ब्लिंक हो रही है, बंद हो रही है, तो लोग यही सोचते हैं कि डिस्प्ले टूट गई है या ख़राब है तो हम बदल देते हैं, ठीक है, तो उसको बदलने के बाद भी नहीं आता है, जो लगी होती है वो निकाल देते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे तो रिपेयरिंग पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यही करते होंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारे मोबाइल रिपेयर करवाए तो हमें यही बताते हैं। अभी की पोजीशन बताओ तुम मेरे को, तो आज और कल की पोजीशन बताओ, तो उसकी वजह से कितने फॉल्ट आते हैं वो सारे हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, पता ही नहीं है कि क्या फॉल्ट आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं। ठीक है, और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका प्रेम। सर प्रेम बताइए आज की क्लास के बारे में। सर आज सर हमने लाइट सेक्शन के सर सर कनेक्टर से लेके सर IC तक के जितने भी फॉल्ट आते हैं लाइट कनेक्शन के, सर उसका एंडलेस सॉल्यूशन मिल चुका है सर। एंडलेस सॉल्यूशन मिला है आपको? सर वो हमारी कॉपी में है सर। कॉपी में भी, दिमाग में भी है? यस सर। दिमाग में भी है और अभी आपने प्रैक्टिकल भी करा? यस सर। एक एक वोल्टेज चेक किया आपने? सर 8 to 10 उसके। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका पप्पू, ये बेसिकली बिहार से है। पप्पू बताइए। सर जो आज लाइट सेक्शन पढ़े बहुत अच्छी तरह सर समझाए, जो भी समझाते हैं समझाते पूरे दिमाग में जो है एडजस्ट हो गया उसका डायग्राम, कभी भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, चित्रंजन नाम है इनका। चित्रंजन आइए, थोड़ा सा बताइए आप।
आज आपका क्लास था, लाइट का जनता आपको देख रही है, है ना। आज आपने क्या पढ़ा है ना, लाइट सेक्शन पढ़ा, क्या जो भी प्रॉब्लम आएगा हम सब सॉल्व कर सकते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, मतलब कोई सा भी सर्किट देते आपके हाथ में सारे के सारे बना सकते हो आप? हाँ सर, बना सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, दीप नाम है इनका। हाँ दीप बताइए। सर ये बताना चाहेंगे कि हाँ पहले दिन ग्राफिक जल गई और आज लाइट जल गई। पहले दिन ग्राफिक जल गई और दिमाग की ग्राफिक जल गई, आज लाइट जल गई। आज लाइट जल गई। अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब हम सारे कंफ्यूजन दूर किए। हमने प्रैक्टिकल फोल्ड भी देखे। यस सर, प्रैक्टिकल फोल्ड भी देखे, इंजीनियरिंग टेक्निक से हमने उसको डायग्नोज भी करा, है ना। हमने स्केमेटिक से भी पढ़ा उसको, है ना, सारी लाइनों को समझा, है ना। हमारी अगर एनालॉग आईसी है तो एनालॉग आईसी को भी पढ़ा हमने, डिजिटल आईसी है डिजिटल सर्किट को भी समझा हमने, है ना। जो प्रोटोकॉल वाली आईसी है हमारी, कमांड वाली आईसी, हमने उसको भी पढ़ा, है ना। ईएन वाली आईसी, उसको भी हमने, ईएन वाली आईसी को भी पढ़ा हमने। तो सारा का सारा सर्किट दिमाग में आया कि नहीं आया? सर सर्किट सारा दिमाग में ही है, और उसको बनाने को भी कहेंगे तो बना देंगे उसमें। कोई सा भी सर्किट अगर लाइट अगर आपको दे दे, सिक्स लैक देंगे या आप टिप की लाइन दे दे और आपकी पीएमआई की लाइन दे दे, सारे सर्किट बना देंगे। लाइट के, लाइट से रिलेटेड कोई भी छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, नहीं सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका अरशद। अरशद आप मिस कर रहे होंगे दुकान के जो हेडसेट नहीं बने थे तुमसे, अभी सर, तो कंप्लीट लिख कर ले। कैसा लग रहा होगा? अरे इतना सर, एक बात समझ में आई कि पहले हम ऐसा सोचते थे यार इसको वोल्टेज आ रहे पर लाइट क्यों नहीं आ रहा है, सर आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, ये पूरे फ्रेशर हैं और शायद मेरे हिसाब से आप फर्स्ट टाइम ही किया। तो अगर एक फ्रेशर बच्चा अगर एशिया टेलीकॉम स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई 30 दिन में हम तेरे को काम करने का तरीका बता देंगे। तो 30 दिन में से आज जो भी आपको 7-8-10 दिन जो भी हो गए हैं, तो 10 दिन में कहाँ तक पहुँचे आप वाकई में, ये हमारी बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, उससे भी ज़्यादा है। आईसी लगाना सीख गया मैं, फर्स्ट टाइम आईसी लगाना सीख। अभी कंपोनेंट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। लाइन ट्रेस करने में कोई दिक्कत? सब सब गया सर, यहाँ में कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं दिक्कत है। आईसी निकालने लगाने में 3G दे दे, 4G दे दे, 5G दे दे, निकाल के लगा देंगे। तरीका रिबोलिंग का, आईसी निकालने का, लगाने का, स्केमेटिक पढ़ने का, मोबाइल को ट्रेस करने का, कोई सी भी आईसी को पढ़ने का। अभी तुम्हारे सामने कोई सी भी आईसी रख के क्या प्रोटोकॉल होते हैं आईसी के, समझ में आ गए ना? जी जी सर, बना के रखा सब लिख के, ट्रेस करके रखे हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, गुरते हैं जी इनका नाम, पंजाब से बेसिकली आए। कर दो भैया, पंजाब के लोग देख रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या लगा आपकी आज की क्लास में? सर बहुत बढ़िया, और लाइट सेक्शन में हमें पहले पता नहीं था बूस्ट कॉल कौन सी होती है, बक कॉल कौन सी होती है, तो अभी तो पहचान में आ रही है। और लाइट सेक्शन अलग से पहचान में दूर से ही आ जाता है कि ये वाला लाइट सेक्शन है, और इसमें बूस्ट कॉल का क्या काम है, डायोड का क्या काम है, डायोड कैसे लगा होगा, और इसमें कितनी वोल्टेज आनी चाहिए और कितना GR आना चाहिए, और इसको कैसे बाईपास भी करना है, वो भी सिखाया सर ने। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका कमल सोनी जी। सर बेसिकली बिहार से हैं ये। आज आपका डिस्प्ले क्या, डिस्प्ले में लाइट सेक्शन था आपका, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सर, पहले सबका जानकारी नहीं था कौन सा कंपोनेंट में कितने वोल्टेज आते हैं, अब सारा जानकारी हो गया है। अब सोचते हैं यहाँ से कब जाएं दुकान पे मोबाइल रिपेयर करें। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी सर, बिहार से बेसिकली, ये नाम बताइए। राजीव कुमार। राजीव, बिहार से जनता देख रही है भाई आपको। जी सर, आपने जो मोटी यहाँ पे फीस दी है, फीस देने के बाद आपका क्या आउटपुट है? सर बहुत ही बढ़िया, बेटर कॉन्फिडेंस। जी सर जी, और कैसा रहा था आपका डिस्प्ले सेक्शन? बहुत ही बढ़िया था सर, बेटर था। मतलब आप फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं? जी सर जी, ऑफ कोर्स कर लेंगे। सारी लाइनों का आईडिया हो गया? जी सर। कौन सी सीपीयू से आ रही है? जी सर जी 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 सर जी। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, सरफराज नाम है इनका। सरफराज बताइए, आज की क्लास के बारे में बताइए। आज क्लास सर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो अभी लाइट में कोई फंसोगे तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी प्रॉब्लम आ रही थी अब तो मुश्किल लगे ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। तो आपको टेक्निकली भी आइडिया लगा, स्कीमेटिक से भी आइडिया लगा, आपने ट्रेस भी किया? जी सब कुछ किया, ट्रेस किया है सब, सप्लाई वगैरह के बारे में अच्छे से जानकारी। चलिए, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका अब्दुल्ला, फ्रॉम गोवा से। सर नाम आज सही है। बहुत सही है सर, देव सर ने हम लोग को प्रॉपर बताया कि हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे और एंड कहाँ पे होगा।
ऐसा नहीं कि अगर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम आ रहा है तो ग्राफिक का सर ने आईसी बताया इतने नंबर का, उसको चेंज कर देना। डायरेक्ट सॉल्यूशंस भी हैं कि अगर आपको आईसी से आगे प्रॉब्लम आता है, ऐसा आता है, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। क्लियरली बताया है हम लोगों ने, आके यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया, हम लोगों ने नोट्स बनाए प्रॉपर नोट्स, मतलब कि अगर आपका एट बो जो भी आईसी लगी है उसके अंदर में अपनी नाइन बॉल की, तो उसको दो तरह के दो टाइप हैं, फिर उसमें D8 भी आ जाता है आपका, PMI, PML सबसे रहता है, तो कैसे कैसे रहता है सबके अलग अलग वर्जन, पूरे डिटेल में बताया सर, तो पूरा क्लियर हो गया। देखो तुम्हारा स्मार्ट ये तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका हुआ है ना, बैठ चुका तो लाइट आईसी अब तुम्हारे लिए हलवा है, समझना मेरी बात को। यस सर, लाइट आईसी तुम्हारे को एकदम इजी लग रही है। रीजन क्या है कि तुमसे मेहनत पहले करवा चुके हम। यस सर, है ना, मेहनत पहले करवा चुके हैं। अब तुम्हारे हाथ में कोई सी भी आईसी दे दे तुम उसको पढ़ सकते हो। यस सर, पिन वाइज पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया सर, अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना तो पता एक लाइन ही आ रही है। बहुत है सर, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं। अच्छा, मेहनत एशिया टेलीकॉम में ऐसा बच्चा आ जाए कि बिल्कुल उसको दो चार घंटे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, तो उन्हें आना चाहिए क्या एशिया टेलीकॉम? नहीं सर, बंदा आना चाहिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, फिजिकली नहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए, एक दो दिन में वो करते हैं ना लोग, समझ नहीं रहा समझ नहीं रहा, ऐसा नहीं, सब बताते हैं, सबको संभाल के लेते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, सब लोग को करके लेते, टेक केयर करते। अभी कोई ऐसा बच्चा जिससे लाइट सेक्शन नहीं बनेगा? आई डोंट आई डोंट थिंक किसी से लाइट सेक्शन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, बनने वाला नहीं, जो नहीं बनेगा बताओ यहाँ पे। सबसे ऐसा कौन बंदा है जिससे लाइट सेक्शन नहीं बनेगा? रवि, लाइट सेक्शन बना देंगे, EMI बना देंगे, सिक्स लेग बना देंगे, PML पूरा बना देंगे, पूरा रास्ता देख चुके हैं सर। अभी जो है ना सिर्फ हाथ उठते के हो जाएगा, हो गया है। ये ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका इम्तियाज, आइए भाई। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हमको थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं। तो ऐसा है कि लाइट सेक्शन बहुत अच्छा पढ़ाया गया, बहुत टफ सेक्शन है, लेकिन अब इतना हम मतलब प्रॉमिस कर सकते हैं कि अगर किसी का लाइट सेक्शन का पूरा जो जला हुआ रहता है ना, वो अगर पूरा जल भी गया ना, तो हम लोग उस सेक्शन को बना सकते हैं। वेरी गुड, और ये सब बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम, सब कोई की बात नहीं है भाई, ये सब बना सकते हैं स्टूडेंट। सर, आप लाइट आईसी लाइट जला सकते हो, किसी भी मोबाइल का जला सकते हो सर, जला सकते हो ना, बिल्कुल है ना। कहाँ ये देना है, कहाँ 4 वोल्ट देना है, कहाँ आपको ग्राउंड करना है, कहाँ से आउटपुट लेना है, कहाँ डायोड लगाना है, कहाँ कैपेसिटर लगाना, छप गया ना दिमाग। मतलब इतना बेसिक में फॉल्ट बताते हैं कि चलो लाइट तो हो गया, उसके बाद ब्राइटनेस कम बेसी किसी में नहीं हो रहा है, किसी में धब-धब कर रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ, मतलब 10-15 फॉल्ट बताया जाता है, उसका सोल्यूशन भी बताया था। ये चीज मतलब इम्पॉसिबल चीज है कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन एशिया टेलीकॉम में ये चीज हो रहा है। चलिए ठीक है, और सबसे ज्यादा हमारे लिए मेहनत करते MD सर, प्लीज उनके लिए थोड़ा सा ताली बजा दो। हार्डवेयर में पूरी टीम मेहनत कर रही है, दीपक सर भी कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल टीचर नहीं है यहाँ पर सब पूरा इकट्ठा टीम है एशिया टेलीकॉम। बेसिक खत्म होने के बाद जो आप प्रैक्टिकल के टाइम में मेहनत करते हो सर, मतलब बहुत ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल से ही है, आ जाइए सर, बताइए बाप। सर दिमाग तो पहले अंधेरे में था, अब इसका भी लाइट। तुम्हारा क्या अनुभव था इस फील्ड का, क्या अनुभव था, मतलब कितने समय से आप काम कर रहे थे, ईमानदारी से? सर 5-6 साल से हम काम कर रहे थे। 5-6 साल से काम कर रहे हैं, मतलब 6 साल बोले तो मतलब आप 2015 मतलब वो 8GB 4GB के टाइम से काम कर रहे हो। माइक्रो माइक्रोमैक्स के मोबाइल आते थे 4GB के, है ना, सैमसंग का छोटा मोबाइल आता था 3G, है ना, 75-65 वगैरह आता था, है ना, ग्रैंड 2 वगैरह आते थे, उस समय से काम कर रहे हो। अच्छा, अभी उस लाइन में थोड़ा सा अगर उस टाइम का काम करने वाला इंसान है और उसने मोबाइल को समझा नहीं, तो अभी के मोबाइलों में कितनी दिक्कतें आएगी उसको? सर बहुत दिक्कतें आएगी, मैं समझाऊँ सर, मेरा जो मार्केट था ना, बहुत सारा टेक्नीशियन है, मैं नंबर 1 में था, लेकिन यहाँ आके हमको मालूम चला कि हम 0 में। इसका प्रूफ मैं देना चाहता हूँ, उस मार्केट में मैं 1 में था, फिर भी हम सोचते हैं कि दिमाग का लाइट हम लोगों का जला हुआ नहीं था, कल ग्राफिक का जला, आज लाइट का जला, ग्राफिक का जला, लाइट का जल गया। कैसी फील आ रही है भाई? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देव सर ने जिस तरह से हमको बताया है, तो
बता दे हमको पता है साला ये काम हम काहे नहीं पहले किए पहले सच में बोल रहे हैं ये दिल से बोल रहे हैं हमको महसूस हो रहा है वो जो बता रहा है हम कह के हम अभी काम छोड़ के आए हैं मेरा दुकान अभी ऑलरेडी चलता है आपको एक बात बताऊं आज की बड़ी बात जब देव सर आपकी क्लास में आए थे सफरिंग फ्रॉम बिग फीवर हां सर यस सर बिग फीवर यस सर और मतलब इतना फीवर होने के बाद भी है ना उनको तुम्हारे आपको महसूस होने दिया उनकी तबीयत खराब है मैं तो भाई बहुत प्राउड करता हूँ उनके ऊपर यार देव सर के ऊपर बहुत प्राउड करता हूँ बहुत और वो मेरे आइडियल है हमारे आइडियल हमारे पूरी 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 जो हमारी टीचर्स की टीम है वो हमारी टीम के लिए पूरे आइडियल है भाई हम उनके उनको आइडियल मान के काम करते हैं यहाँ पर है ना हम उनके हिस्से का चवन्नी भी नहीं है अभी क्या है 25% भी नहीं है जो एबिलिटी और जो स्किल है उनमें उसके मुकाबले हम चवन्नी भी नहीं है यहाँ पे एक चीज बता दें आपसे हमारे साथ एक और स्टूडेंट है आइए थोड़ा बताइए थोड़ा आगे आइए सामने सर मैं कैसा रहा आपका क्लास बहुत बढ़िया रहा सर जी आज उन्होंने लाइट सेक्शन पढ़ाया सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यह पता चल रहा है कि कहाँ पे फॉल्ट है और किस सेक्शन में काम करना है बोर्ड के अंदर पहले ये चीज़ें मालूम नहीं थी अभी पीसी भी देखते देखते हाँ मालूम चल रहा था तो क्या क्या लगता है आपको अभी सर ऐसे लगता है कि हर चीज़ पहचान में आ रही है और अगर लाइट का प्रॉब्लम है तो किस सेक्शन पर काम करना है ये नहीं सीधे आईसी पे काम कर देना उससे पहले भी बहुत चीज़ें आती हैं जो चेक करना है वीडियो में है ना बताना नहीं हमको तो कल ग्राफिक के बारे में पता चला और आज लाइट के बारे में कहने का मतलब अगर ग्राफिक नहीं आ रहे तो भी बना सकते हैं अगर लाइट नहीं आ रही तो भी आज बना सकते हैं वेरी गुड अच्छा इसके बारे में कोई डाउट्स या कंफ्यूजन कितना सरल करके बताया आपको नहीं ग्राफिक्स भी सरल करके बताया लाइट भी सरल करके बताया अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो कल रिवीजन की क्लास है दोबारा फिर जितने दिन अभी तक पढ़ाया गया दोबारा फिर रिवीजन कराएंगे दिमाग में नहीं सर जितनी भी अभी क्लास हुई है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर कंफ्यूजन नहीं फिर भी वो रिवीजन करवाएंगे कल सारी क्लास का जो भी ये जो आपके जितने सेक्शन है सबका रिवीजन है यस सर सबका रिवीजन है यस सर मेरे साथ एक और स्टूडेंट है यस सर थोड़ा सा आज की क्लास के बारे में बताइए बहुत बढ़िया रही सर बेस्ट तो आपने जो वहाँ सर ने पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल किया कि नहीं अभी किया सर पूरा प्रैक्टिकल किया प्रैक्टिकल में सारी चीजें डन हुई आपकी यस सर बिल्कुल एक एक लाइनें डन हुई यस सर लाइट किधर से बनता किधर को जाता कहाँ से ये नाता सारी चीजें दिमाग सब क्लियर है कोई सा भी सर्किट बना लेंगे बिल्कुल ठीक है मेरे साथ एक और स्टूडेंट है नाम इनका रवि आगे आइए बताइए आज लाइटिंग सेक्शन था सर हाँ अच्छा लगा आज मजा आया करने में आज मजा आया आज इतने दिन तो पूरा कम्बो चेंज करते थे लाइटिंग सेक्शन और डिस्प्ले वगैरह नए आने से कस्टमर रिटर्न देते हैं अभी नहीं रहेंगे अभी एक भी जाएगा क्या वापस नहीं जाएगा नहीं जाएगा 100% चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू थैंक यू सर नहीं है पीएमआई में तो इन खाली किस पर दे दिया गया है बूस्ट कॉइल पर और स्विचिंग डायरेक्ट कर दी गई आईसी ये सर D8 का सर आपने वो दाम नहीं दिया टीएन डाल दूंगा मैं एक री पर अब बचा क्या बताओ देखो देखो कहां पर ये लिखा हुआ है वी आउट या ओबीपी वी आउट या ओबीपी या फिर ये लिखा होगा ध्यान दो वी आर ई जी या डब्ल्यू एल ई डी ये तीन शब्द याद रखना और ये लिख लो अभी आज किसकी क्लास थी आज हमारी
डिस्प्ले लाइट, ठीक है, डिस्प्ले लाइट की हमारी क्लास थी, तो सर ने जैसा कि पढ़ाया आज हमारा डिस्प्ले सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ग्राफिक्स कल कंप्लीट हो गया था, आज लाइट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे ये क्या बनाया थोड़ा सा बताइए आप। जी जी सर्किट टू, सर्किट टू सर। ओके ओके, तो केवल सर ने सर्किट वन या सर्किट टू छेले की बताई क्या केवल? पीएमआई भी बताई, पीएमएल और डी8 ये सारी चीज बताई यहाँ पे, तो जितनी ओवरऑल हमारी लाइट सेक्शन होता है सभी बताया कि नॉर्मल केवल बेसिक बताया आपको? कम्प्लीटली बताया सर, कम्प्लीटली बताया। ओवरऑल कैसा रहा अब डिस्प्ले सेक्शन आपका? अगर ग्राफिक्स की बात करें, अगर हम लाइट की बात करें, अगर ग्राफिक आ रहे हैं, अगर पीछे से लाइट नहीं आ रही तो किस आईसी पे काम करना है, अगर ग्राफिक नहीं आ रहे तो वो okay. कल पढ़ाया था ग्राफिक आईसी फोन, तो अभी लाइट से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आएगा आप उसे क्लियर कर पाएंगे 100%? कहाँ पे जो हमारा 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, ईएन क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकल मिला है? क्या काम कर रहा है और डायोड क्या काम कर रहा है, वो सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से मिला है? लाइट सेक्शन अपना पहचान जाएंगे, बिल्कुल देखते ही पहचान जाएंगे। तो ये आपने जो बनाया ट्रेस करके बनाया, कैसे बना दिया? बिल्कुल ट्रेस करके बनाया इस बोर्ड पे सर, मगर ये बोर्ड डिगाउट होम पे बनाया है। ओके ओके, फिर भी समझ में आया जो भी था इसके अंदर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं सर? लाइट सेक्शन का ट्रेसिंग। लाइट सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने सर्किट बताए बताइए, जितने याद हो? मुझे याद है तब तक तीन है। हाँ ठीक है, जितना है उतना बताइए। छः लेग, छः लेग और छः लेग में कितने सर्किट बताइए? छः लेग में दो पेज और वन और टू। हाँ। तो देख के पहचान जाएंगे वन कौन सा है टू कौन सा है। जी सर। उसके बाद डी8 के भी बारे में बताया गया। हाँ सर। स्मार्ट पीए आपका बचा हुआ है तो स्मार्ट पीए भी आपको बताया जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल कैसी रही लाइट सेक्शन आपकी? एक नंबर थी। कैसी रही आपकी लाइट सेक्शन? बहुत अच्छी रही सर। समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? कैसा देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल तौर से मिल रहा है कि केवल थ्योरी बेसिस पे चल रहा है? अब जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? लाइट सेक्शन। किस बोर्ड पर आपने काम कर रहे हैं? नोट 5 सेक्शन। दिखाइए वहाँ पर थोड़ा सा। ये पीएमआई सर। ये पीएमआई का सर्किट है आपका? हाँ सर। ओके, तो पीएमआई से सारा कुछ आप ट्रेस करके बना पा रहे हो? हाँ सर। कहाँ पे कितना कब बूस्ट वोल्टेज बनेगा, कितना हमारा 4 वोल्ट कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, वो सारा कुछ आपने देखा है? हाँ देखा है। तो कैसा रहा ओवरऑल आज लाइट सेक्शन की क्लास? अच्छा लगा सर। समझ में आ रही सारी चीज़ें? जहाँ फंस रहे थे अभी आप फंसोगे? नहीं फंसा। फाइंड आउट कर पाओगे अभी? नहीं सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या आपने बनाया हुआ है। ये 6 लेग का सर्किट वन है कि सर्किट टू है? सर्किट वन है। अगर ये बोर्ड में लगा हो तो पहचान जाएंगे कि सर्किट वन है कि सर्किट टू है? तो अगर हम बात करें कि बूस्ट कॉइल का काम, डायोड का काम, ये जो डायोड कैसे लगा हुआ है, माइनस में कौन सा सिरा होना चाहिए, प्लस का कौन सा सिरा होना चाहिए, सीरीज में है कि पैलर में है, ये सारी कुछ का डीपली नॉलेज अभी मिला कि नहीं मिला? अगर ये ओपन हो जाए, अगर यहाँ पे अगर हमारा ये बूस्ट कॉइल खराब हो जाए, अगर हमारा डायोड ओपन हो जाए, या फिर जो भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए, तो ये फाइंड आउट कर पाएंगे सभी? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रेसिंग, लाइट ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। लाइट की ट्रेसिंग कर रहे हैं? जी सर। तो लाइट में जो भी सर्किट पढ़ाया गया एक्चुअल में वो अब प्रैक्टिकल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। अब देखते ही पहचान जाएंगे कौन सा हमारा लाइट सेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है। तो कैसी रही ओवरऑल डिस्प्ले सेक्शन क्लास? बहुत ही बढ़िया रहा सर आज का क्लास। समझ में आया सारी चीज़ें? सारी चीज़ समझ में। प्रैक्टिकल तौर से देखा कि बिना ऐसे थ्योरी बेसिस जो बताया गया उसी तरह मिला? ओके, तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही बढ़िया रहा आज का क्लास, बेटर। जी जी, तो कल आपके अभी रिवीजन, ये सारा चीज़ जो आपने पढ़ा है कल आपका रिवीजन की भी क्लास होगा? जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। ओके सर। आप क्या कर रहे हैं अभी? लाइट सेक्शन को ट्रेस कर रहे हैं, नोट 4 है यहाँ पे। जी सर। कौन सा सर्किट लगा हुआ है? पीएम की पीएमआई? पीएमआई, वेरी गुड। चलिए ठीक है, उसको कंप्लीट ट्रेस करिए। इधर देखिए क्या कर रहे हैं? लाइट सेक्शन को ट्रेस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं देख करके उतार दे रहे हैं केवल? ट्रेस करके बना रहे हैं कहाँ पे हमें 1.8 आना चाहिए, कहाँ पे हमें 4 वोल्ट आना चाहिए, कब बूस्ट वोल्टेज बनेगा, सारा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कैसी रही है आज की क्लास लाइट की? बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है सारी चीज़ें जो सर पढ़ाते हैं वो समझ में आ रहा है? देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा तरीका है, जो पढ़ाते हैं सब समझ में। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? लाइट सेक्शन बनाए। लाइट सेक्शन का कौन सा सर्किट है बताइए? 5A SW। और यहाँ पे अगर हम बात करें CABC, अगर हम बात करें स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू, तो आप बता पाएंगे सारी चीज़ें क्या लिखा रहता है? डायग्राम पढ़ लेंगे अभी आप?
पढ़ लेंगे। अच्छा, ये लाइट सेक्शन में जो डायोड लगा है, बूस्ट कॉइल लगा है, इसका काम क्या है, बूस्ट कॉइल कब बनाता है, बूस्ट वोल्टेज कब बनाता है, सारा कुछ पता है अभी आपको? जी पता है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। ये आपने खुद ट्रेस करके बनाया कि कहीं से उतार दिया है? नहीं सर, खुद ट्रेस करके बनाया। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी आप? बूस्ट कॉइल का डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। सर्किट वन है कि सर्किट टू है ये? सर्किट वन है। कैसे रही लाइट सेक्शन की क्लास आज आपको? कंप्लीट सर। समझ में आ रहा है सारी चीज़? yes. आज आपका डिस्प्ले सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ग्राफिक्स और लाइट। yes. तो अभी आपका टच भी बचा हुआ है, क्योंकि सेक्शन में टच भी होता है, तो ये हम आगे टच पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो डिस्प्ले, ग्राफिक्स और लाइट में कोई कन्फ्यूजन अभी? कोई डाउट? सारा सेक्शन बताया गया कि केवल छः लेग और केवल छः लेग सर्किट बताया गया? छः लेग के बाद D8 सर्किट वन आती है, उसके बाद में सर्किट टू की भी सिक्स लेग की आती है, उसके बाद में एट लेग की बताई, 12 लेग की बताई गई, जिसमें एट लेग हम के होते, बाकी चार नहीं होते। उसके अलावा PMI, PML, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया? सारे प्रैक्टिकल। कब EN होना चाहिए, कब हमारा स्विचिंग वोल्टेज होगा, सब कुछ बताया गया? सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ये पावर आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं। पावर आईसी किसका? ये लाइट का सेक्शन पूरा चेक करने के बाद फिर। ओके, चेक करके ये रिवॉल्व कर रहे हैं अभी आप? जी सर। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए। आप क्या कर रहे हैं अभी बताइए? चेक करके वही सर्किट देख रहे हैं। किसका? लाइट आईसी का। लाइट आईसी का। तो लाइट आईसी में जो आप फंस रहे थे, तो लाइट आईसी में आप फंसेंगे अब अभी? कितने वोल्टेज हमें चेक करना है, 4 वोल्ट कहाँ कहाँ आता है, बूस्ट वोल्टेज कब बनाता है, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल देखा आपने? जी हाँ, प्रैक्टिकल। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी आपको? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। बैठ बताइए, क्या कर रहे हैं अभी आप? सर ये मैंने लाइट आईसी का सर डायग्राम बनाया। अभी बनाया? जी सर। तो ये समझ करके बनाया है कि कहीं से उतार दिया? देखो, चेक करके बनाया। चेक करके बनाया। चलिए ठीक है, बताइए 4 वोल्ट कहाँ कहाँ आता है। चलिए अभी पता चल जाएगा आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड लाइन है, बूस्ट कॉइल से लगी हुई है। ओके ओके, फिर पावर कहाँ आएगा? सर ये फिर यहाँ से जाएगा, उसके बाद 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये अभी केवल 4 वोल्ट कहाँ कहाँ पे आएगा? आपने यहाँ तक सही बताया, यहाँ तक सही बताया, और कहाँ पे जाएगा? सर ये इसमें जाएगी सर, कनेक्टर पे भी जाएगा 4 वोल्ट, क्योंकि अगर हमारा ऑन नहीं करेंगे, अगर आप बैटरी लगा देते हैं, तो आपका 4 वोल्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डायोड के प्लस में भी, माइनस में भी, और यहाँ पे कनेक्टर में भी 4 वोल्ट दिखाई देगा। इससे हमारा ये पता चल जाएगा कि ट्रैक हमारा सही है कि नहीं। अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बना रहा है तो क्या क्या चीज़ चेक करेंगे? बूस्ट कॉइल चेक करेंगे, उसके बाद क्या चेक करेंगे? अगर EN चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम? तो ये सारा कुछ पता है आपको, समझ में आई? मैंने सर ऑन फोल्डर बनाया है। फॉल्टी फोन आएंगे सर, उस पर चेक करना है कि कहाँ फॉल्ट। अच्छा, तो इसमें वोल्टेज चेक किया आपने? जी सर, सही उसी से निकाला। चलिए चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। क्या कर रहे हैं अभी आप? बस इसका पूरा डायग्राम बनाया हम लोग का लाइट सेक्शन का। लाइट सेक्शन, तो लाइट सेक्शन में जहाँ पे फंस रहे थे अभी, तो CABC की लाइन क्या होती है, ये सारा कुछ अब? एक्चुअली सर जब हम काम करते थे तो होता क्या था कि यहाँ एक सेम जो सेट मेरा प्रॉब्लम था, सेम सेट वैसा रख दिया, यहाँ से एक बूस्ट कॉइल निकाले, वहाँ से लगाए, फिर डायोड निकाले, फिर कैपेसिटर निकाले, फिर लगाए, तब भी ये फोन कभी कभी नहीं होता था। जी जी। लेकिन अभी जिस हिसाब से सर ने पढ़ाया है, 100-100% अब हमें बूस्ट कॉइल क्यों चेंज करना है, डायोड कब चेंज करना है, ये सब कुछ पता चल गया सर। अब फालतू तो चेंज नहीं करेंगे? फालतू में चेंज नहीं, उठा करके टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे ना? नहीं होगा, 2 मिनट। हमें अब वोल्टेजों का नॉलेज हो चुका है कि कहाँ पे हमें क्या नॉलेज हो गया है, वोल्टेज का नॉलेज हो गया, EN जो आता है वो समझ में नहीं आता, EN वोल्टेज जो आता है 1.8 वोल्ट, जी जी जी, उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो ये सब अब नॉलेज। अब फालतू टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे, अब प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे कि कहाँ पे क्या वे है जो है। तो वे कैसा लगा दो सर का पढ़ाने का तरीका? बहुत बढ़िया सर, लाइट सेक्शन एक बहुत मैंने टफ सेक्शन था, जो मतलब बड़ा से बड़ा मैकेनिक भी लाइट कम नहीं कर पाता था। जी जी, इतना उसको डीपली और इतना अच्छा मार्केट का काम आप उठाएंगे? 100% सर, कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर्किट बना दिया आपने? ये चेक करके बनाया है कि ऐसे ही बना दिया? चेक करके ये बोर्ड का है। ओके ओके, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? PMI वाला लाइट का सर्किट। PMI का लाइट का सर्किट। तो PMI में बेसिकली कनेक्टर तक अगर आपने ट्रैक चेक कर लिया है, ट्रैक हमारा सही है, फिर भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो क्या क्या चीज़ चेक करेंगे? ओके, बूट कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकल बताया गया कि ऐसे ही?
बिल्कुल ऐसा ही है। ओके समझ में आ रहा सारी चीज। कैसे रही थी सर की क्लास? ऐसा समझ आ गया कि 5 मिनट में पता लग जाएगा क्या क्या फॉल्ट है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। अरे थोड़ा साइलेंट रहो। क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं। किस फोन में कर रहे हैं? लाइट आईसी की कर रहे हैं। तो कितने सर्किट पढ़े कुछ जब, क्योंकि अभी सडनली पढ़े हैं आप, तो कितने सर्किट याद है अभी आपको? सर्किट आपके जितने भी बताए हैं सारे बता दिए। 6 लेग में कितने सर्किट बताई? 6 लेग में आपके 3 वोल्टेज अलग अलग, 2 सर्किट थी उसमें। तो वो 2 सर्किट आप देख करके बता देंगे, सर्किट 1 है सर्किट 2 है? वो सारा चीज देख करके बता देंगे। अगर लाइट आईसी ग्राफिक्स आईसी नहीं लगी है तो मान लीजिए पीएम और पीएम आई लगा हुआ है तो किसमें जाएगा? पीएमआई। और पीएम और पीएमएल लगा है तो किसमें जाएगा? पीएमएल। चलिए तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल तौर से जो सर ने पढ़ाया कैसा रहा देव सर का क्लास? देव सर की क्लास बहुत अच्छी है। वो जितना पढ़ाते हैं वो अपने हिसाब से लेने के ऊपर है। क्या लेने के ऊपर है हम लोगों की? तो फिर भी अगर आप लेना चाहें तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अरे अब ये चीज छूट रही है? सर रिवीजन करके ही हम लोगों को दोबारा पढ़ सकते हैं। कोई कह दे कि एक दिन में आप टीचर बनेंगे तो टीचर नहीं, नहीं वो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है आपका। अब कितना आप ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी सर देने में कमी करते हैं क्या? नहीं सर, कोई भी कमी नहीं। वो अपना 100% डेली देते हैं, एक दिन का नहीं, वो डेली देते हैं। जितने दिन पढ़ाते हैं डेली का है। जी जी जी। तो ओवरऑल कैसा रहा अभी तक की क्लास? बहुत बढ़िया है। हम लोग अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। हम उनकी मतलब कहने का मतलब ये हुआ सिंपल कि अगर कहीं ना कहीं आउटपुट इनपुट अच्छा मिल रहा है तभी आउटपुट मिलेगा। ये सर कोशिश हमारी पूरी, और सर भी हम लोग को पूरा सजेस्ट करते हैं कि क्या कर रहे हैं अभी आप? सर डिस्प्ले सेक्शन बनाया सर। डिस्प्ले में आपने ग्राफिक्स कल आपने देख लिया था, आज हमारा लाइट का सेक्शन था। तो जो आपने ये बनाया हुआ है अब आप में लाइट में, जैसे पहले क्या होता था कि हमारे पास लाइट का प्रॉब्लम नहीं आया तो हम एक दूसरे से बोर्ड स्वैपिंग करते थे कंपोनेंट। अब क्यों कंपोनेंट को स्वैप करना है अब उसका रीजन पता चला यहाँ पे? जी सर। क्योंकि अब हमें फालतू तो टाइम पास नहीं करेंगे ना? नहीं सर, डायरेक्ट नो बोलते हैं नोवा फर्स्ट डायरेक्ट। अच्छा तो वोल्टेज की प्रॉपर अब वोल्टेज का नॉलेज हो गया, सर्किट का नॉलेज हो गया, डायग्राम का नॉलेज हो रहा है। तो बेसिकली अब हमें टाइम का बचत होगा और हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या वोल्टेज चेक करना है वो सारी चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे अभी। कैसी रही ओवरऑल लाइट सेक्शन? क्लास भी बहुत अच्छी सी रही। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल के अंदर एक डाउट था वो भी निकल गया, वो भी क्लियर हो गया अभी आपका। तो ऐसा नहीं कि नहीं बताते हो उसको वाइप कर देते हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर। यानी जो डाउट्स है, जो डाउट्स है वहाँ पे लोग खड़े हुए तो वो देख सकते हैं लाइव में। जी जी। जो जिनको जो डाउट्स है वो जाकर के अपना क्लियर कर रहे हैं प्रैक्टिकल के अंदर, वो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, कंटिन्यू करिए। चलिए आप क्या कर रहे हैं? सर कंप्लीट कर दिया, ये देखिए छाप दिया। कौन सा सर्किट है? कौन सा सर्किट है? हमारा लाइट का है सर। ये हमारा 12 बोल का है। डी8 मिल गया आपको? यस सर। अच्छा डी8 चल रहा था और डी8 का आपने सर्किट भी बना दिया यहाँ पे, जैसा छाप दिया है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला सर। अब्दुल्ला सर, देख सकते हैं आप। तो कैसा ओवरऑल क्या बोलेंगे अभी आप? ग्राफिक्स और लाइट और आपका डिस्प्ले सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हुआ है जैसे सर ने बताया है। जी जी जी। आपको ट्रेस किया है, सर ने प्रैक्टिकली करके वहाँ पे दिखाया है। जी जी जी। कुछ फोन्स होते हैं ब्राइटनेस, हाँ वो सारा चीज डीप नॉलेज मिला कि ब्राइटनेस का मसला था, सोचते हैं रजिस्टर है अरे हटा दो, ग्राउंड आ रहा है वगैरह वगैरह, ये सारा चीज प्रैक्टिकल। यूट्यूब पे नॉलेज रहता है ना, वो नहीं है यहाँ पे। यूट्यूब का नॉलेज नहीं है, अगर आप चाहोगे कि आप वहाँ पे बैठ के घर पे दुकान पे यूट्यूब देख के सीखोगे, उसके बाहर वो केवल आप कॉम्प्लेंट ही हटाते रह जाएंगे। बाकी कॉम्प्लेंट हटाना क्यों है उसका रीजन आज हटाना क्यों है, कॉम्प्लेंट लगाना ही लगाना है, कौन सा लगाना है, कहाँ से लगाना है, प्रैक्टिकल क्लास में जो है थोड़ा दिखाते हैं समझा। ओके ओके। हम लोगों को सबको एक डाउट था तो वहाँ से आए, फिर यहाँ पे क्लियर किया। बाकी हार्ड वर्किंग है। ओके ओके। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा जबरदस्त। जी 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 जी। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं अगर आपसे पर्सनली पूछा जाए तो? बिल्कुल सर, देखिए ना खुद का किया हुआ। जी जी जी, वो देख सकते निकाले एक बॉल्स। जी जी जी। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए आप क्या कर रहे हो? ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। ये आपने जो बनाया है, अब आपके पास कभी 5A का फोन फॉल्ट आता है लाइट से रिलेटेड तो आप ये देख करके बना लेंगे क्योंकि आपको हार्डवेयर सोल्यूशन खोलना पड़ेगा? नहीं सर। अब ये देख करके बना लोगे? क्योंकि एक बार अगर आप इसमें मेहनत कर दे रहे हो तो अब आपको पता चलेगा कि EN कहाँ पे आएगा, स्विचिंग लाइन कौन सी है, EN लाइन कौन सी है, बूस्ट लाइन कौन सी है, वहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट लगा है, सब एक बार में कर लेंगे अभी। ओवरऑल कैसी रही फिर लाइट सेक्शन? बहुत अच्छा, समझ में आ रही सारी चीज़ें? तो ये जो आपने बनाया समझ के बनाया है कि ऐसे ही? समझ के बनाया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप?
ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो आज हमारा जो लाइट सेक्शन था ओवरऑल कैसा रहा? आज हमारा लाइट सेक्शन बहुत बढ़िया रहा। तो जो आपने ये बनाया हुआ है कैथोड एनोड की लाइन, ये आप ट्रेस करके बनाया आपने? जी बिल्कुल, समझ करके बनाया है। हाँ जी। अगर हमें कॉम्प्लेंट, अगर हम फालतू अब तो टाइम पास नहीं करेंगे ना? नहीं बिल्कुल, यहाँ से ये उठा रहे हैं। दो मिनट में बन जाएगा सर? नहीं, दो मिनट में तो जल्दी नहीं बनेगा। नहीं, मेरे से बन जाएगा। अच्छा, बन जाएगा। हाँ, मुझे याद हो गया पूरा सेक्शन। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल करना है। दो मिनट में नहीं, चार मिनट लगना है, पर काम हमें सही करके देना है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप बताइए आपका ओवरऑल क्या चल रहा है अभी, कैसा लगा क्लास आज की? आज की क्लास बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, जो कि इतना समझे कि जिसका कोई जवाब नहीं। ओके ओके, तो मतलब ओवरऑल अब आपके पास कोई भी ऐसा नहीं कि MI पढ़ाया गया या Redmi पढ़ाया गया, मतलब लाइट सेक्शन पढ़ाया गया ना कि यहाँ पे Oppo Vivo ऐसा तो कुछ नहीं है ना? रह गई बात, जितना हम मेहनत करेंगे, जितना सा ट्रेसिंग बताया, जी जी जी, अगर ट्रेसिंग हम कर लेंगे तो मोबाइल 10 मिनट के अंदर, ट्रेसिंग में हमको 2 समय लगे। जी 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 जी, मतलब फॉल्ट को फाइंड करने में, फॉल्ट फाइंड, मेन मैटर यही होता है फॉल्ट को फाइंड करना। बनाना नहीं बनाना वो तो डजंट मैटर होता है। लोग टेक्नीशियंस फॉल्ट को पकड़ ही नहीं पाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लोग CPU हिला देते हैं, ये कर देते हैं, पर आप पहले जो ट्रेसिंग होता है प्रॉपर वोल्टेज जी 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 जी, वो अगर हम प्रॉपर हो जाएंगे तो हम तो श्योर है कि 5-10 मिनट अगर IC मेरा फॉल्ट है तो IC पता कर पाएंगे कैसे क्या आउटपुट नहीं निकल रहा ये वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ये बना रहा हूँ सर। अच्छा, अभी ट्रेस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ऐसे ये बैठे हुए बना रहे हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने अपने आज हमारा डिस्प्ले सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ग्राफिक्स और लाइट। कल इनका पूरा ओवरऑल जितना इन्होंने अभी पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, इनको ओवरऑल रिवीजन की क्लास रहेगी अभी तक का जो इन्होंने पढ़ा हुआ है। कल इनकी CPU किया तो एक अंदर आए, मतलब सर, हाँ सर, एकदम बढ़िया है। इन्हें CPU करवा दिया, ये तो है इनमें दम। हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल डेक कर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव CPU और पावर आई, पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डेक। हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल है। लाइव क्या किया आपने? या सर, लाइव मैंने CPU लगाया, पावर आईसी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना, मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। वो भी बताया था कि नहीं बताया था?
आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते हैं सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गया आप? सर डबल डेकर किया था। डबल डेकर मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगा, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्टिंग क्या करके गए बताइए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर। एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया। ड्यूल टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर। आपने तो तीन टाइम किया ना उसको निकाल के? हां हां, मेरे ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। क्या दिखाया आपने? क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर पर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किए। ईएमसी है, ईएमसी लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगाया। टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर की। तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से किया। जी सर, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। पी सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डबल टेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर सीपीयू। डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की? ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर? या आपने खुद किया? खुद? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप? उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you.